नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट सिक्स। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे। नीतीश सरकार के कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के फैसले पर मुहर लग गई है। जल्द ही शिक्षा विभाग की ओर से सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके बाद नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। नियोजित शिक्षक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। नियोजित शिक्षकों के मुताबिक उनका सपना पूरा हो रहा है और वो बेहद खुश हैं। राज्य सरकार ने कैबिनेट का जो निर्णय हुआ है वो राज्यकर्मी का दर्जा मिला है और इसको लेकर तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं बेहद खुश हैं और काफी लंबे समय से इंतजार था और इस बात को लेकर लोग एक टकटकी लगाए हुए थे कि आखिर कब उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और ऐसे में जब बीपीएससी के द्वारा लगातार अब शिक्षक बहाली को लेकर काफ़ी संख्या में सरकार जो है वो नियुक्ति कर रही थी, इनकी उम्मीदें और भी बढ़ गई थी। आज जो निर्णय हुआ इसको कैसे देख रहे हैं? हम लोग की जो इंतजार थी, जो टकटकी थी आज बहुत दिन से लगाए हुए थे, वो दूर हुई है। और हम लोग ये मांग करेंगे सरकार से, जो हम लोग जहाँ 17 साल 12 साल से जो हैं उनको मैंने सीनियरिटी का दर्जा दें और उसके लिए कुछ करें, इसके लिए हम लोग बेहद खुश हैं। आज कुछ और लोगों से जानते हैं किस तरीके से इस निर्णय को देख रहे हैं। देखिए, राज्यकर्मी का दर्जा मिलना बहुत बड़ी बात है। सब लोग पहले से ही आशा कर रहे थे कि हम लोगों को भी राज्यकर्मी का दर्जा मिले, क्योंकि पहले कहा गया था कि नहीं, जो परीक्षा में पास होंगे और जो उसमें सफल होंगे उन्हीं को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन अब सरकार के द्वारा तो ऐसा आदेश आ गया है कि नहीं, सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। अब ये भी सुनने में आया है कि फिर भी एग्ज़ाम ही लिया जाएगा या क्या, पूरा पता नहीं है, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, और आज क्या कैसे देख रही हैं जो राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया? बहुत खुशी हो रही है सर, एग्ज़ाम ले होगा और उसके बाद हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा तो खुशी है। खुशी है। विशिष्ट शिक्षक के लिए बोला गया था कि वो नाम दिया जाएगा, उसको भी हटाया गया है, सामान्य शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा राज्यकर्मी के तहत। ये भी बहुत अच्छा लगा सहायक शिक्षक के तौर पे। हाँ, वो सहायक शिक्षक एक अच्छा ये लगा कि राज्यकर्मी के रूप में और सहायक शिक्षक के रूप में हम लोग आएंगे। सराहनीय कदम है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसलिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं। बहुत लोग निराश हो चुके थे, लेकिन सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा देकर सभी नियोजित शिक्षकों को उनकी मांग उत्साहवर्धन का काम किया और नए साल का भी तोहफा मिल गया। हाँ, नए साल का तोहफा भी मिल गया। तो तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं बेहद खुश है इस बात से लेकर कि राज्यकर्मी का दर्जा मिला है और साथ ही साथ नए साल का तोहफा जो है वो अग्रिम मिल गया है, और इसको लेकर सेलिब्रेशन भी देखा जा रहा है। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। और नीतीश सरकार के कैबिनेट के फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों में खुशी की लहर है। बगहा में नियोजित शिक्षकों ने रंग गुलाल उड़ाए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। बिहार में नियोजन इकाई का रस्साकसी और एक तरह से कह सकते हैं आंदोलन पे विराम लग गया है। दरअसल नीतीश सरकार ने आखिरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया है और 2006 से शुरू तकरीबन 17 वर्षों का यह लंबा संघर्ष और सफर आज पूरा हुआ है। लिहाजा नियोजित शिक्षकों के चेहरे पे मुस्कान आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी खुशी है, और विक्ट्री का भी साइन लोग कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, रंग गुलाल अभी उड़ाए जा रहे हैं। हम खुद जो शिक्षक हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी खुशी है, और यह अनएक्सपेक्टेड चुनाव करीब है, अनएक्सपेक्टेड बहुत खुशी है। और हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने तरफ से और अपने शिक्षक बंधुओं के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी ज्ञापित करते हैं, जिसका हम लोगों को वर्षों से इंतजार था। 2005 से उन्होंने जो पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक और नगर शिक्षक के रूप में उन्होंने बहाली की और नियोजित
शब्द का जो प्रयोग किया गया वो हमारे लिए शुरू से अपमानजनक रहा, लेकिन आज हमें बेहद खुशी है कि उन्होंने राज्यकर्मी का दर्जा दे करके जो मीडिया जगत में आया, न्यूज आज कैबिनेट में पास हुआ, उसके को लेकर के हम शिक्षक जो जी मीडिया ने सबसे पहले ब्रेक की लगातार हम लोग बिल्कुल जी मीडिया हो हाँ जी मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं इस चैनल का स्वयं प्रशंसक हूँ जो है। शिक्षक है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे जी? आज तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बरसों की प्रतीक्षा के बाद आज जो है हमारी समस्या सरकार जो है सुलझा दी और आज हम नियोजित शिक्षक के जो नाम से जो हम कलंकित थे आज हमें सहायक शिक्षक का पद मिला है, बहुत खुशी की बात है। तो ये कलंकित महसूस करते थे, आज खुशी की बात महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है जी न्यूज ने? जी बहुत खुशी की बात है कि जी न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने 2003 से जो हम लोगों के माथे पे नियोजनवाद का कलंक लगा था उसको उन्होंने धोने का काम किया है। मैं पुनः उनको सादर प्रणाम करता हूं। देख सकते हैं साफ तौर पे ये खुशी का माहौल, 2025 फिर से नीतीश, यह एक स्लोगन आ रहा है। वहीं शिक्षक संघ शिक्षक जी मीडिया को भी धन्यवाद दे रहे हैं। दरअसल जी मीडिया ने लगातार शिक्षकों की समस्या, शिक्षा विभाग की समस्या, शिक्षक की समस्या, स्कूल और भवनों की समस्या की खबरें दिखाई थी, लिहाजा आज जो खुशी का दिन है निश्चित तौर पे गौरव और ऐतिहासिक दिन है। यही वजह है कि शिक्षक संघ में खुशी का माहौल है। इमरान अजीज, जी मीडिया, बगहा।